यो गाइस, मेरा नाम अर्बन लेजेंड नहीं है। तो मैंने एक अर्बन मिथ नाम की हॉरर कोरियन मूवी देखी, या फिर कह सकते हो एनाथोलॉजी सीरीज देखी एक मूवी के फॉर्म में। और अगर तुम्हें नहीं पता है कि एनाथोलॉजी सीरीज क्या होती है तो मैं बता देता हूँ। बेसिकली एनाथोलॉजी सीरीज में हर एक एपिसोड की स्टोरी और कैरेक्टर्स इंडिविजुअल होते हैं, कोई भी चीज कनेक्टेड नहीं होती है। हर एक एपिसोड की स्टोरी सेपरेट होती है, जिसका मतलब तुम कभी भी कोई भी एपिसोड या स्टोरी उठा के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स की ब्लैक मिरर और हुलू की इनटू द डार्क सीरीज है। सो अर्बन मिथ्स में 2 घंटे के अंदर टोटल 10 हॉरर शॉर्ट स्टोरीज दिखाई जाती है, 10 से 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। और ये फनी से लेकर थोड़ी बहुत स्कैरी और क्रीपी कैटेगरी में आती है। देखो मैं यहाँ तो मैं सभी की सभी 10 स्टोरीज के बारे में तो नहीं बताने वाला ऑब्वियसली, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन उसमें से जो सबसे बेस्ट 3 स्टोरी लगी मेरे को जो वर्थ टेलिंग है, उनके बारे में बताने वाला हूँ। और उसमें से सबसे पहली स्टोरी आती है टूथवर्म्स, जिसमें एक पेशेंट अपने दांत का चेकअप करवाने गया होता है डेंटिस्ट के पास, क्योंकि उसे एक जगह पे बहुत ही दर्द हो रहा होता है। और डेंटिस्ट उस पेशेंट का चेकअप करने के बाद काफी शॉक और कंफ्यूज होता है, क्योंकि उसने ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा होता है। बेसिकली उस पेशेंट के अंदर वर्म्स घुसे होते हैं, जो कि 1940s के टाइम पे ही कम्प्लीटली इराडिकेट यानी खत्म हो चुके होते हैं, लेकिन समहाउ वापस आ चुके हैं। अब आगे क्या वो डेंटिस्ट इन वर्म्स का कोई सोल्यूशन निकाल पाएगा या नहीं, या फिर स्टोरी में आगे क्या बवाल चीज दिखाई जाएगी, ये तुम खुद देख लेना, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा। दूसरी स्टोरी आती है दी वॉल नाम से, जिसमें एक लड़का अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हुआ होता है, और पहले ही दिन उसके घर की किसी दीवार में से ठक ठक की आवाज आ रही होती है बार बार, जिसे सुन के वो काफी ही परेशान हो जाता है। अगले दिन जिस दीवार में से आवाज आ रही होती है, वो साइड वाले घर में रहने वाली लड़की से वो लड़का मिलता है एक लिफ्ट के अंदर, जहाँ पे गलती से उस लड़की का रिबन नीचे गिर जाता है लिफ्ट के अंदर, जिसे वो लड़का उठा लेता है और अपने घर ले जाता है। और अगले दिन वो रिबन लौटाने के लिए लड़का उस लड़की के घर जाता है, जहाँ पे उसे कोई भी नहीं दिखता है और सारा सामान बिखरा हुआ पाता है। फिर वहाँ उस घर में उसे एक ऐसी चीज देखने को मिलती है, जिसे देखकर वो तुरंत ही अपने घर भागता है और दीवार को तोड़नी चालू कर देता है। और तब उसे पता चलता है कि वो ठक ठक की आवाज क्यों आ रही होती है, जिसे देखकर किसी की भी गांठ फट जाए। अगेन मैं तुम्हें स्पॉइलर ना देने के लिए नहीं बताने वाला कि उसे दीवार के उस पार क्या देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं तीसरी और लास्ट स्टोरी, जो कि पर्सनली मेरी फेवरेट है, अ मैनिक्विन, जिसमें एक लड़का वेयरहाउस के अंदर बहुत सारे मैनिक्विन स्टोर कर रहा होता है कि तभी वहां का सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है, जो कि लड़के को मैनिक्विन के बारे में एक हॉरर फैक्ट बताता है, जिसे सुनकर उसकी फट तो जाती है, लेकिन वो ना दिखाने के लिए ऐसा बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर वहां पड़े एक अजीब से मैनिक्विन को देख के वो लड़का डर जाता है और अपना काम पूरा करके वो गार्ड के साथ वहां से चले जाता है। तब ये होता है, बाद में लड़का तैयार होकर गार्डन से अपने घर जा रहा होता है कि तभी वहां उसे वेयरहाउस का ओनर एक आदमी के साथ बैठे हुए दिखता है बेंच के ऊपर। अब वो दूसरा आदमी असल में एक जिंदा मैनिक्विन होता है, जो कि अपनी मुंडी घुमा के लड़के को घूरना चालू कर देता है और उठ के उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देख के लड़का धूम दबा के भागने लगता है। और भागते भागते वो एक मॉल पहुंच जाता है, जहां आगे का रास्ता खत्म हो जाता है और वो मैनिक्विन भी उसका पीछा करते करते वहां पहुंच जाता है। अब इसके आगे जो चीज होती है वो कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड होती है, तुम प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। So, ये वाली स्टोरी को डेफिनेटली चेकआउट करना। खैर ये तो थी मेरी पर्सनल 3 फेवरेट स्टोरी ये मूवी में से, स्पेशली लास्ट वाली अ मैनिक्विन। इसके अलावा बाकी की जो 7 है वो मेरे को उतनी खास नहीं लगी थी कंपेयर टू दिस 3। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो 7 स्टोरीज एकदम ही खराब है कि देखी ही नहीं जा सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज है कि ये सभी की सभी स्टोरी में तुम्हें बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाएगी कि ये चीज क्यों, कहां और कैसे हो रही है, जिसके पीछे का कारण काफी सिंपल ही है कि हर स्टोरी सिर्फ 10 से 15 मिनट की है, तो इतने कम टाइम फ्रेम में कोई भी चीज को एक्सप्लेन करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। स्टिल अगर तुम कोरियन कॉन्टेंट देखने के चौदे हो या फिर एक हॉरर एडिक्ट हो, देन 2022 की अर्बन मिथ एक सिंपल एंड ओके मूवी है चेकआउट करने के लिए। सिर्फ कोरियन लैंग्वेज में ही अवेलेबल है, तो इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ ही देखना पड़ेगा। बाकी अगर तुम्हें इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ मूवी देखने में दिक्कत आती है, देन टेंशन लेने की बात नहीं है, मेरे चैनल पर हिंदी डब वाली मूवीज के भी रिकमेंडेशन वाले वीडियोस मिल जाएंगे। तो चैनल को विजिट कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना अगर कॉन्टेंट पसंद आ रहा हो। और एक चैनल की रैंडम वीडियो ये रही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, सी यू सून। देखता है क्या कब सुला गया।